Good afternoon. How's everybody doing? ठीक हो सब लोग? सब बढ़िया? आगे क्लास में? ओके, सो वी हैव दिया. यस, हमारी दिया आ गई है. आज दिया फिर से मैम से पहले आ गई है. दिया इज वन ऑफ माय स्टूडेंट जो कि बिल्कुल रेगुलर होती है. चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे. एंड व्हाट इज द सेशन अबाउट, चलो वो भी देख लेते हैं. आज का सेशन हमारे किस बारे में है? कल मैंने बताया था ना सबको, याद है? वी हैड डिस्कस्ड. दिस इज व्हाट आवर सेशन इज अबाउट टुडे. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? स्लाइड शो करेंगे. स्लाइड शो करेंगे यहां से. आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप. द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम. द लाइन स्पोकन बाय थॉमस अल्वा एडिसन. सबको पता है थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, है ना? वी नो अबाउट हिम, अ ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने वर्ल्ड को इतना अच्छा गिफ्ट दिया था. तो दीज आर ब्यूटिफुल लाइन स्पोकन बाय थॉमस अल्वा एडिसन. और ये किस लिए है, ये हमें किस चीज के बारे में एनकरेज कर रहा है? दिस लाइन टॉक्स अबाउट डिटर्मिनेशन. और एक और चीज, डिटर्मिनेशन एंड तो ये जो लाइन है ये आपको मोटिवेट करती है डिटर्मिनेशन के लिए, डिटर्मिनेशन के तरफ और विल पावर के तरफ. ठीक है, तो आज का जो हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इट इज अबाउट डिटर्मिनेशन एंड विल पावर. इंसान के डिटर्मिनेशन और विल पावर से हम क्या क्या कर सकते हैं, दिस इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट, चैप्टर इज अबाउट. एंड द चैप्टर इज डीप वॉटर, रिटन बाय विलियम ओ डगलस. अगेन अनदर फेमस नेम इन लिटरेचर, विलियम ओ डगलस का है ये दिया हुआ लाइन. और ये सॉरी ये स्टोरी लिखी हुई है विलियम ओ डगलस की. एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, आई वुड वांट टू वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लेट्स क्रैक सीबीएसई साइंस, जहां पे कि हम आपको 12th साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं. एंड आई एम योर ओन एजुकेटर डॉक्टर यामिनी सिंह. आई हैव डन माई पीएचडी इन इंग्लिश, और मैंने इंग्लिश में अपने मास्टर्स और पीएचडी के बाद देन आई गॉट इनटू टीचिंग प्रोफेशन. तो अभी तक मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी, अब मैं रेगुलर में आ गई हूँ. और रेगुलर क्लासेस के साथ मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पढ़ाती हूँ. सो दिया इज बैक अगेन. बेटा बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है दिया, दैट्स ओके. अगर आज बुक नहीं है तो आज तो हम टेक्सुअल एक्सप्लेनेशन ही करेंगे ना, तो टेक्सुअल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं तो दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. आप मेरे साथ साथ टेक्स्ट पढ़ लेना, ठीक है? और अगर पॉसिबल हो तो आज शाम को बुक ले आना, या फिर बुक नहीं चाहिए तो टेक्स्ट का प्रिंट आउट ले लेना, किसी से फोटो स्टैट करा लेना, ठीक है ना? ओके, क्रैक सीबीएसई क्लास 12th विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. गेट सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स. सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन एंड ज्वाइन अस. बहुत बढ़िया दिया. चलो आज की आपकी चिंता खत्म हो गई ना? अच्छा कोई बात नहीं है बेटा. तो पेन पेपर रखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो लगेंगे वो मार्क कर लेना. इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क करने के बाद में घर जब आप जाएंगे तो फिर उसको टेक्स्ट बुक में लिख लीजिएगा, ठीक है? एंड इट इज वंडरफुल कि आज आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो, तो फिर हम रेगुलर करेंगे अपना सेशन कंटिन्यू और पढ़ाई कर लेंगे अच्छे से. सो लेट्स स्टार्ट, फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ. आपको अनअकैडमी क्या देता है? आपको अनअकैडमी देता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस,
स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। डेली लाइव क्लासेस में क्या है, डेली लाइव क्लासेस में यू गेट द बेनिफिट ऑफ चैटिंग विद योर एजुकेटर, यू इंगेज इन डिस्कशंस, आस्क योर डाउट्स एंड आंसर पोल्स ऑल व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। तो ये जो फीचर है ये आपको क्लासरूम जो होता है ना, रेगुलर फिजिकली जो प्रेजेंस होती है क्लासरूम में, ये आपको वो मिस नहीं करने देता है। आपका एजुकेटर आपके सामने होता है, आप उससे बातें करते हो, डिस्कशन करते हो, आपने जो आंसर दिए हैं उसके रिजल्ट्स आपको इमिडिएटली देखने को मिल जाते हैं। तो इट इज नो लेस देन अ रेगुलर नॉर्मल क्लासरूम एनवायरमेंट। देन लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, यू कैन इवेलुएट योर प्रिपरेशन विथ आवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेज एंड गेट डिटेल एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। वाई? बिकॉज अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी, परफॉर्मेंस का असेसमेंट नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कहाँ कहाँ कमी रह गई है, कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है, इनमें से कोई भी चीज आपको पता नहीं चलेगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट और क्विजेज में अपियर करें। देन वी हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में क्या है, जैसे सिलेबस होता है, सिलेबस क्यों होता है, सिलेबस इज योर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोर्स ओनली। वो एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताता है कैसे कैसे एक पर्टिकुलर सेशन के लिए पढ़ाई करनी है। वी फॉलो द सेम स्टेप्स और हमारा सेम प्रोसीजर होता है जहाँ पे वी हैव स्ट्रक्चर्ड योर कोर्सेज इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस विच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम एट द बेस्ट। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव अनलिमिटेड एक्सेस फॉर यू। आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइस। आपके पास जो भी डिवाइस है जो भी आपके पास में डिवाइस है उससे आप सब्सक्रिप्शन के बाद एक्सेस कर सकते हो बोथ लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। एंड देन दीज आर आर एजुकेटर्स। आपकी स्क्रीन पे जो यहाँ लगा रखा है ये एजुकेटर्स हैं, आप इनके साथ लाइव क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री, फ्री है और स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, लाइव क्लासेस आपके फ्री हैं, ठीक है। मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करने के बाद। ओके, देन व्हाट एल्स डू यू हैव? यू हैव अनअकैडमी लर्निंग ऐप टू बी इंस्टॉल्ड। अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए अपने डिवाइस में, उसके बाद इस पेज तक आइए जहां पे क्लास 10 लिखा हुआ है। आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे यू विल टाइप क्लास 12, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे क्लास 12 आप करेंगे, ठीक है, जिसके बाद में आपने गेट सब्सक्रिप्शन वाले बटन को क्लिक करना है। इसके साथ ही वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम ऐप को वेन यू डाउनलोड इट यू हैव टू टाइप दिस लिंक। ये जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यू टाइप दिस लिंक इन द URL एंड देन यू क्लिक ऑन ज्वाइन एंड देन यू गेट कनेक्टेड विद अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन टेलीग्राम इज, टेलीग्राम को जब आप ज्वाइन करेंगे बेटा तो उसके बाद में यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द स्टडी मटेरियल्स, वीडियोज, नोट्स, जो भी चीजें हैं क्लास 12th की, लेट्स क्रैक CBSE साइंस के फोरम की जितनी भी चीजें हैं, यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज मटेरियल्स हियर। ओके, सब्सक्रिप्शन एंड देन आपको जो ये पेज यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पिक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर आवर टॉप एजुकेटर्स। वंस यू सब्सक्राइब विद अस तो आपको इन सारे एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का चांस मिलता है। दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम, साइंस के डिफरेंट स्ट्रीम से हैं। यू कैन चूज द एजुकेटर फ्रॉम होम यू वॉन्ट टू स्टडी। जिस किसी एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हो आप उसको चूज कीजिए और उसकी क्लास को अटेंड कीजिए। ओके, गेट सब्सक्रिप्शन की बात है ना, कैसे सब्सक्राइब करेंगे? क्लास CBSE क्लास 12 का सब्सक्रिप्शन आपका क्या है, यू नीड टू चूज अ प्लान, ठीक है। 1 month, 3 month, 6 month, 12 months। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आज फिर से आपको ये चीज समझाऊंगी कि बेटा हम क्लास, कोई भी क्लास की जब हम बात करते हैं तो वो क्रैश कोर्स नहीं होता है, पूरा एक साल लगता है उस चीज को समझने के लिए। तो आप 1 महीने या 3 महीने में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यू नीड टू गो फॉर 12 months ऑफ प्रिपरेशन, 12 महीने का टाइम देना पड़ता है। तो यू सब्सक्राइब फॉर द 12 months कोर्स जिसके चार्जेस है 12,500। दीज आर द नॉर्मल चार्जेस। बट when you type this referral code, the referral code which is YAMINI1, ये मेरा referral code है,
जब आप इसको टाइप करेंगे पेमेंट के टाइम पे, व्हाट हैपेंस, यू गेट 10% ऑफ डिस्काउंट। आप यहां से लेके यहां तक में कहीं पे भी अगर आप रेफरल कोड का यूज कर रहे हैं, आई विल अगेन सजेस्ट 12 मंथ्स पे कीजिए, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। सो हाउ मच आर यू पेइंग? यू आर पेइंग 11,250 ओनली, नॉट 12,500। ठीक है ना, है बेनिफिट की बात। चलो फिर हम आगे देखते हैं। तो दिस इज आवर राइटर, ये हमारे राइटर हैं ऑफ द स्टोरी, विलियम ओ डगलस। ओके, तो दिया क्या बोल रही है? हाँ बेटा, शॉर्ट राइटिंग स्किल के क्वेश्चन में दिया आपको आएगा, राइटिंग स्किल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं तो आएंगे ही। आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट ईयर सिलेबस में कोई चेंज होने जा रहा है। हाय दिलीप, दिलीप दिस इज फॉर 12th स्टैंडर्ड ओनली। ये 12th स्टैंडर्ड की क्लास है। ओके, विलियम ऑरविल डगलस, बॉर्न इन 1898 एंड डाइड 1980, ही वाज बॉर्न इन यूएसए। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो वो किस बारे में, किस कॉज को सपोर्ट करते थे? ही यूज्ड टू सपोर्ट इंडिविजुअल राइट्स, इसको सपोर्ट करते थे। ठीक है, हर बंदे की, हर इंसान की जो राइट्स होते हैं, ही यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट। ही वाज अ जज एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 इयर्स एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। That's a wonderful thing about him that we have come to know. ये तो GK का fact हो गया हमारा। The longest serving justice in the history of court is William O. Douglas. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. So if I ask you a question, name the story from where Deep Water is taken from. So it is Of Men and Mountains by William O. Douglas. द स्टोरी हैज बीन टेकन, सो विल बी डिस्कसिंग द स्टोरी हियर। आई बिलीव सबके पास में बुक है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला है, प्लीज अपनी बुक लेके बैठिएगा। बुक लेके बैठने से बेटर, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, और पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, यू कैन मेक अ नोट ऑफ द सेम। देखो मेरे पास मेरी दोनों ही बुक है, मैंने अपनी नोटबुक भी रखी है जिसमें मैं कि आपके लिए मैं नोट्स बनाती हूँ, क्वेश्चन आंसर बनाती हूँ, एंड देन आई हैव माय टेक्स्ट बुक आल्सो। ठीक है, मेरा डीप वाटर चैप्टर ओपन है मेरे सामने। आई वुड रिक्वेस्ट यू डू द सेम थिंग, और मैं क्वेश्चन आंसर भी अपने निकाल लूँ सो दैट एनी रेफरेंस दैट यू नीड आई कैन हेल्प यू विद दैट इमीडिएटली। ओके, लेट्स स्टार्ट, वी आर डूइंग द समरी फर्स्ट। समरी से पहले मैं आपको ऑथर के बारे में कुछ रीड करके बता दूं। विलियम डगलस वाज बोर्न इन मेन, मिनेसोटा। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंट 2 इयर्स टीचिंग इन हाई स्कूल इन यकीमा। हाउएवर, ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Roosevelt का नाम और किस चैप्टर में लिया गया था, याद है? थर्ड लेवल में लिया गया था। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of court. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas.
तो बेटा इफ यू हैव योर बुक विथ यू, आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये वाला जो पॉइंट है ना लॉन्गेस्ट सर्विंग जज वाला, उसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए. इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल. तो ये पोएट की खुद के लाइफ से जुड़ी हुई कहानी है. हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. So, yahan pe do cheeze aati hain. First is another thing that you need to underline over here is that this is an autobiography. This is a part of the autobiography written by William O. Douglas. And then next kya hai aapka? Next is that the author has tried to tell us how he overcame his fear, how he talked about it and how he came out of his fear. ठीक है, तो ये दो important चीजें हैं जिसपे कि आपको ध्यान देना है. ठीक है ना. आज मेरे कैमरे का प्लेसमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो प्लीज बेयर एंड मैनेज फॉर 30 seconds. आई विल ट्राई एंड फिक्स दिस कैमरा वाला जो एंगल है. I hope there is no reflection. आपके फेस पे आपको स्क्रीन पे कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं लग रही है. ऑल राइट. ओके. दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेन एंड माउंटेन्स. इन दिस पीस ही टेल्स अबाउट हिज फियर ऑफ वॉटर एंड हाउ ही कॉन्कर्ड इट By determination and willpower. आपको याद है मैंने थॉमस एल्वा एडिसन की अभी आपको पढ़ के determination और willpower का quote सुनाया था और बोला था कि story का यही message है. So don't forget, आपके question में एक question ये होगा, what is the message that the story wants to convey? What is the moral of the story? ठीक है, so it is about determination and willpower. As a child, when he was 3 or 4 years old, he would go to the beach in California with his father. He would get scared by the might of the huge waves which swept over him, and it instilled a fear in his subconscious mind. तो क्या हुआ था इनके साथ बचपन में जब ये 3-4 साल के थे. तो कहते हैं कि he used to, as a 3-4 years old boy, he used to go to the beach of California with his father. एंड वहां बीच पे जब इनको ह्यूज वेव्स ऐसे दिखाई देते थे तो दैट हैड इंस्टिल, वो उनके अंदर ना उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक डर बिठा के गया था, क्योंकि वो वेव्स जो है उसने एक बार इनको कैरी अवे कर दिया था. अ फ्यू इयर्स लेटर इन हिज ईगरनेस टू लर्न स्विमिंग ही जॉइंड अ स्विमिंग पूल वेयर एन इंसिडेंट फर्दर इंक्रीज्ड हिज टेरर. तो जब 3-4 साल के थे तो वहां पे जो ऊंची सी वेव बन के आती थी और जिसमें ये बह जाते थे, उस वेव ने इनके मन में डर पैदा कर दिया था. और इस डर को और ज्यादा कहां, ये डर और कैसे बढ़ गया, कुछ सालों के बाद ही वॉन्टेड टू लर्न स्विमिंग. ही वॉन्टेड टू लर्न स्विमिंग. तो उस टाइम पे क्या हो गया था कि उन्होंने एक पूल ज्वाइन कर लिया. पूल ज्वाइन करने के बाद में He was pushed into the pool by another boy. पूल में उनको किसी और बच्चे ने धक्का दे दिया. ठीक है ना. और जब आपको स्विमिंग नहीं आती है तो थोड़ा सा भी पानी होगा ना, सपोजिंगली अगर आपके नोज के ऊपर तक के लेवल का भी पानी होगा, आप पानी में गिरते हो, when you don't know how to swim, तो वो फियर बहुत ज्यादा आता है आपके अंदर बढ़ के. ठीक है, तो यही चीज इनके साथ में हो गई थी. Many years after that incident, he stayed away from water. But the desire to go fishing and swimming in nature was strong enough to motivate him to overcome his fear. So, क्या होता है कि उनके अंदर जो इच्छा थी ना स्विमिंग सीखने की और फिशिंग जाने की, तो दैट थिंग वॉज सो स्ट्रॉन्ग इन हिम दैट इट मोटिवेटेड हिम टू ओवरकम दैट फियर ऑफ ड्राउनिंग इन टू वॉटर. And it encouraged him to learn swimming. He learned swimming with the help of an instructor who ensured that William knew swimming well enough to be able to swim in huge lakes and waterfalls also. So, उन्होंने ऐसा किया था कि उन्होंने एक कोच रखा अपने लिए,
ठीक है, क्या हो गया भाई, आज क्लास में तो कोई भी नहीं आ रहे। अच्छा ओके, वी हैड टू पीपल इन द क्लास, दिलीप एंड दिया। क्या हो गया, नो क्वेश्चन आंसर्स, कुछ भी नहीं पूछ रहे हो। समरी में क्वेश्चंस पूछ लो, देन वी कैन मूव अहेड विथ अपना डिस्कशन आल्सो। फिर टेक्सचुअल डिस्कशन भी तो करना है हमें। तो देन ही स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग अंडर अ कोच एंड दैट कोच हैड मेड इट श्योर दैट ही टॉट डगलस टू बी एबल टू स्विम इन ह्यूज लेक्स एंड वाटरफॉल्स ऑल्सो। उन्होंने उनको इतना सिखा दिया। स्टिल वेन ही वुड स्विम द फियर फ्रॉम हिज चाइल्ड हुड एक्सपीरियंस एम्बेडेड इन हिज सबकॉन्शियस माइंड वुड ग्रिप हिम ओवर एंड ओवर अगेन। ही वॉन्टेड टू कॉन्कर दैट फियर। ही फेस्ड इट सार्केस्टिकली थिंकिंग दैट नाउ एज ही न्यू हाउ टू स्विम वॉट हार्म कुड इट डू टू हिम। ही चैलेंज हिज फियर इन द फेस ऑफ इट एंड फाइनली इट वुड वैनिश। इट वॉज बेसलेस फियर इंस्टिल्ड इन हिज सबकॉन्शियस माइंड। दिस एक्सपीरियंस वॉज वैल्यूबल फॉर हिम। ही हैड एक्सपीरियंस्ड टेरर एंड डेथ। ओके दिया इज हियर। ही हैड एक्सपीरियंस टेरर एंड डेथ। ही ओवरकेम इट एंड फाइनली कॉन्कर्ड इट। विलियम रियलाइज दैट डेथ इज पीसफुल एंड इट इज अ फियर ऑफ डेथ दैट इज टेररइजिंग। हिज विल टू लिव लाइफ ग्रू इंटेंसली एज ही हैड ओवरकम हिज फियर एंड स्टार्टेड लिविंग फियरलेसली। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो चैप्टर है, ये समरी, आई बिलीव आपको समरी से इतना तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू टेल अस, हमें क्या सिखाने की कोशिश करी जा रही है और ये स्टोरी स्टूडेंट्स के लिए क्यों दी गई है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। चलो बेटा बताओ, मेरी क्लास में आप हो, मुझे बताओ व्हाट इज द स्टोरी ट्राइंग टू टेल अस, स्टोरी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, बोलो। Who will write it? नहीं, चलो मैं बताती हूँ। द स्टोरी इज ट्राइंग टू टेल अस दैट नो फियर इज बिगर देन आर डिटर्मिनेशन। कोई भी डर हो आपकी लाइफ का, वो आपके विल पावर और डिटर्मिनेशन से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू डू समथिंग, यू नीड टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर फियर जो आपको डरा के रोक के रखता है। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कुछ करना है, किसी चीज को सीखना है, तो आप सीख लेंगे। इट इज जस्ट मैटर ऑफ गैदरिंग योर स्ट्रेंथ। यस, वी शुड ओवरकम आर फियर। राइट, दिया बिल्कुल सही है बेटा। ओके, डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपके चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं वो है, उसके साथ साथ में जो है यहाँ पे दिया हुआ, नोटिस दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो बुक में दिया है हम उसको भी डिस्कस कर ले। बुक में ये सारे जो है, ये तो वो होंगे जो आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। जो एक्सप्रेशंस है वो ये है। ठीक है, सो दोज हू हैव योर बुक्स विथ यू, दिया बेटा बुक है, वी हैव वन मोर मेंबर इन द क्लास। आप में से जिनके पास भी बुक है, प्लीज ओपन द चैप्टर डीप वाटर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 23 एंड वी आर राइटिंग द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशंस गिवन ओवर देयर। तो ट्रिकरस इज डेंजरस एंड सबड्यूड इज टू ओवरकम। अदर मीनिंग्स आर YMCA, इट इज एन एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कि एक क्लब था यकीमा में। ठीक है, और क्या है यहाँ, यकीमा अ प्लेस इन वॉशिंगटन। इफ यू रिमेम्बर, यकीमा में ही वॉज टीचिंग। ठीक है, विलियम डगलस ने यकीमा में पढ़ाया था। ओके, ड्रॉप स्लोप फ्रॉम द शैलो एरिया टू द डीप एरिया। स्लोप
ड्रॉप मतलब स्लोप फ्रॉम द शैलो एरिया टू द डीप एरिया, स्पेशली जब हम स्विमिंग पूल की बात करते हैं ना, ठीक है, तो वो ऐसे करके स्लैंटिंग सा होता है, ठीक है, इफ यू कैन सी स्लैंटिंग सा होता है, तो क्या होता है, शैलो एरिया से डीप एरिया की तरफ आप जाते हो, तो वो ऐसे होगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ. वाटर विंग्स, अ पेयर ऑफ इनफ्लेटेबल वाटर प्रूफ बैग्स डिजाइंड सो दैट वन कैन बी अटैच टू ईच आर्म स्पेशली ऑफ अ चाइल्ड लर्निंग टू स्विम. क्या है ये वाटर विंग्स, क्या है, इनफ्लेटेबल वाटर प्रूफ बैग्स है विच आर डिजाइन टू अटैच टू योर आर्म्स. यहाँ पे हम उनको फ्लोटर्स बोलते हैं, ठीक है. जब आप देखना पूल में बच्चे जब स्विमिंग करने जाते हैं तो उनके यहाँ पे आर्म बैंड्स जो बनाए जाते हैं, जो उनको पहनाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, वाटर विंग्स. यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, फ्लोटर्स बोलते हैं. किन्नी इज हिन. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्राइड दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट अवर्जन डिसलाइक. सर्फ वेव ऑफ द सी, वो जो सी वेव्स आता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी से, व्हाट डू वी कॉल इट इन हिंदी, लहर बोलते हैं, लहर, लहरें जो होती हैं वो. दिया क्या रिपीट करना है बेटा, वाटर विंग्स, वाटर विंग्स क्या दिया, अ पेयर ऑफ इनफ्लेटेबल वाटर प्रूफ बैग designed so that one can be attached to the each arm, specially of a child learning to swim. बेटा ये एक तरह, हाँ राइट, लहरें, ये वाटर विंग्स की जो बात हो रही है, ये एक तरह का ये होता है, स्विमिंग कराते हो ना, जब छोटे बच्चे को हम स्विमिंग सिखाते हैं तो एक तरह के फ्लोटर्स होते हैं या आर्म बैंड बोला जाता है, जिसको कि आप हवा भरते हो, जिसमें माउथ से ब्लो करके हवा भरते हो और बच्चों के आर्म्स में यहाँ और यहाँ आप पहना देते हो. सो द बेनिफिट इज द चाइल्ड विल नॉट ड्राउन, बच्चा डूबेगा नहीं, ठीक है, ये आपको पानी पे तैरता हुआ रखेगा. अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, देर आर नॉट मेनी थिंग्स विच कम इन स्विमिंग. स्विमिंग गेयर बहुत तरह तरह के होते हैं, ठीक है, ये एक तरह का स्विमिंग गेयर होता है, स्विमिंग में जो हेल्प करता है लर्नर्स को. देन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है नॉक्ड मी डाउन, थ्रू मी डाउन. नॉक डाउन का मतलब होता है गिरा देना. रिवाइव्ड, ब्रॉट बैक टू माइंड. टू फील एट ईज, टू फील कंफर्टेबल. ब्रूजर, अ पर्सन हु इज टफ एंड अग्रेसिव एंड एंजॉयज अ फाइट और आर्ग्यूमेंट, ठीक है. देन स्पेसिमेन इज एग्जाम्पल, समन्ड इज गैदर्ड, स्प्रिंग इज पुश, मतलब झटके से कोई चीज ऐसे पॉप करके बाहर आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग. पॉप इज जम्प, ठीक है, बॉब मतलब जम्प आउट टू द सर्फेस. सफोकेटिंग, अनेबल टू ब्रीद ड्यू टू लॉक ऑफ एयर. सफोकेटिंग का मतलब दम घुटना होता है ना, वो होता है. येल इज टू स्क्रीम और टू शाउट, यानी आपको पता ही है बहुत पतला दुबला पर्सन होता है वो. डक्ट, पुश और प्लंज समवन अंडर वाटर. Expending, losing, giving out, ached, pained, throbbed. Okay, throbbed, felt pain in a series of beats. Throbbing मतलब जैसे सिर दुखता है आपका, तो आप कभी कभी बोलते हो ना कि my head is throbbing, ठीक है, तो intermittent सा जो pain होता है ना, उसको हम बोलते हैं. डिजी इज जब चक्कर आना होता है ना, चक्कर आता है आपको, फेंट करने की बोलते हो, दैट इज बीइंग डिजी. स्ट्रैटेजी, प्लान ऑफ एक्शन. स्ट्राइक आउट, एक्सटेंड, थ्रैश, हिट विद फोर्स. नेक्स्ट, स्टार्क, सीवियर. सीज्ड, ग्रिप्ड मतलब जोर से पकड़ लेना, रोक देना. श्रीकिंग, स्क्रीमिंग. Paralyzed, incapable of movement, pounding, repeated beating. Yell means चिल्लाना, हाँ बेटा, जब आप चीखते चिल्लाते हो, that is called yelling. Oblivion, the state of being unaware or unconscious of what is happening around one. Oblivion का मतलब होता है कि आप अनजाने हो किसी चीज से, ठीक है, या किसी चीज के बारे में. Curtain of life fell, life came to an end. Okay, this is the mind map of the chapter.
और डीप वाटर बाय विलियम डगलस। सो आपके मेन कैरेक्टर कौन है? यहाँ पे हमारे ऑथर ही हमारे मेन कैरेक्टर है, दैट इज विलियम डगलस। थीम क्या है? थीम इज अ रियल लाइफ अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग फियर एंड स्टेप्स टेकन टू ओवरकम। स्टार्क की मीनिंग, बेटा स्टार्क की मीनिंग तो शार्प हुई ना, सीवियर, ठीक है। ओके, हमारा एक स्लाइड है यहाँ पे जो मिस हो गया है, दैट विल डील विथ लेटर। डिटरमिंड टू डिफीट हिज फियर, ठीक है। एडवेंचरस बाय नेचर, ये आप देखो हमारे जो मेन कैरेक्टर है विलियम डगलस, उनके कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। एडवेंचरस, एड अ जेस्ट फॉर लाइफ, दैट इज जेस्ट इज व्हेन यू लव योर लाइफ। करेजियस, इनडोमिटेबल स्पिरिट टू ओवरकम हिज फियर, एंड नॉट फ्राइटन बाई क्राइसिस, एक्सेप्टेड इट एज अ चैलेंज। एंड देन थीम में आगे हम देखेंगे एन ऑटोबायोग्राफिक अकाउंट ऑफ अ चाइल्डहुड मिस एडवेंचर। देन वॉट एल्स? डिटरमिन टू डिफीट हिज फियर, हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। कैसे उन्होंने डिटरमिन जब कर लिया, खुद को बता दिया, सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि उनका जो डर है उससे उनको जीतना है। आप भी अगर किसी चीज के बारे में सोचते हो कि मुझे ये चीज करनी है, या फिर एक पर्टिकुलर आपने खुद को असाइनमेंट देके रखना है कि मुझे ये काम तो करना ही करना है, ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट करना है, ये सम समझना है, तो क्या करते हो उसमें? कुछ तो स्ट्रैटेजी होती है ना, यू नीड टू डू सम प्रिपरेशन, है ना। तो क्या होता है इसमें, उन्होंने क्या किया इस फियर को ओवरकम करने के लिए, पहले उन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर किया उससे सीखने के लिए, फिर प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद यूज बेल्ट एंड रोप टू टीच स्विमिंग हिमसेल्फ। खुद से भी एफर्ट किया, नॉट दैट कि इट वॉज ओनली द इंस्ट्रक्टर हु वॉज हेल्पिंग हिम आउट, इट वॉज डगलस हिमसेल्फ ऑल्सो, जिन्होंने खुद से भी इनिशिएटिव लिया खुद को चीजें सिखाने के लिए। ओके, देन वॉट एल्स डू वी हैव? वी हैव बचपन में क्या हुआ था, चाइल्डहुड वेंचर था उनका, उसमें क्या था, डगलस प्लान्स टू लर्न स्विमिंग, YMCA पूल को चूज किया फॉर द वेंचर, एट इट वॉज सेफ ओनली 9 feet डीप एंड 2 feet एट द शैलो एंड्स। यकीनन रिवर आउट ऑफ क्वेश्चन बिकॉज इट हैड क्लेम्ड मेनी लाइव्स, द रिवर वॉज डेंजरस, सो ही डिसाइडेड टू स्विम इन द पूल। एंड हाउ डिड ही डेवलप अवर्जन टू वॉटर? फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, वेव्स इतनी तेज थी कि वेव्स ने इनको पुश करके नीचे गिरा दिया, एंड दैट वॉज द पॉइंट जहां से इनके अंदर पानी का डर आ गया, ठीक है। ओके, देन मिस एडवेंचर एट YMCA क्या हुआ था, या YMCA गए, पहले तो इनको बचपन में बीच में जाके एक्सपीरियंस हुआ था जिससे पानी से डर लगा था, तो फर्दर वॉट हैपेंड एट YMCA? चाइल्डिश फियर ऑफ वॉटर आने लग गया पानी को देख के, देन प्रैक्टिस हेल्प शेकिंग ऑफ फियर एंड द फीलिंग्स ऑफ अनइजीनेस बिगिंस टू डिसअपियर। एन 18-year-old बॉय अराइव एंड हर्ड्स हिम इनटू पुशेस हिम इनटू डीप साइड ऑफ द पूल। डगलस प्लान टू मैनेज द क्राइसिस बट फेल्स, failed to rise, suffocated, lungs ached, head throbbed, fear stricken, become unconscious, nearly die. तो ये इनका, अब आप देखो, जब आपने अगर स्टोरी नहीं पढ़ी थी तो आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि इनको इतना ज्यादा डर क्यों लगता था स्विमिंग से और पानी से। तो यहाँ हमें पता चलता है, माइंड मैप का पर्पस है कि आपको इन शॉर्ट स्टोरी बताना, ठीक है, स्टोरीज के जो पॉइंट्स है वो आपको बताना। सो दिस इज वॉट यू कम टू नो ओवर हियर, कि उनको इतना डर क्यों लगता था। After effect of unpleasant experience, क्या हुआ था उसके बाद, fear haunts him for days together, ठीक है, उनके पैर कांपने लग जाते थे। अभी बेटा चल रहा है, अभी बता रही हूं, ठीक है। पानी का डर हो गया, फिर उनके फिशिंग ट्रिप सारे खराब हो गए, कैंसिल होने लगे, डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, एवरी वे टू ओवरकम हिज फियर फेल्ड, वन डे ऑल अलोन एट द पूल सिट्स ऑन द साइड एंड वेट। तो वो पानी में जाना, माइंड मैप का मतलब ये होता है दिया, माइंड मैप का पर्पस ये होता है कि एक ग्लांस में स्टोरी किस बारे में है वो आपको बता देगा, ठीक है। दिस इज वॉट द पर्पस ऑफ माइंड मैप इज। Then further what happens? He tested himself to build confidence. उन्होंने ये किया।
went to Lake Wentworth in Hampshire, dived and swam 2 miles to Stampact Island, went to Meadow Glacier to swim in Warm Lake near Gilbert Peak. All we have to fear is fear itself. किसी चीज से अगर डरना है तो डर से डरा करो और किसी चीज से नहीं. ओके, देन वी कम टू थीम. व्हाट इज द थीम ऑफ दिस? जैसे आपका क्वेश्चन भी होगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ डीप वाटर्स. डीप वाटर डील्स विद द चाइल्डहुड फियर ऑफ डगलस, अ मिसएडवेंचर एट द YMCA पूल डेवलप्ड एन एवर्जन ऑफ वाटर इन हिम एंड ही सफर्ड फ्रॉम हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया पानी से डरना जो होता है ना, उसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं. फोबिया इज फियर, हाइड्रो इज वाटर. The chapter focuses on the fact that childhood fear must never be treated lightly. If they are not tackled, then they make deep inroads into one's psychology. Douglas analyzes his fear and finally determines to overcome it. Okay, तो क्या होता है? बचपन में इनके साथ पूल में एक इंसिडेंट हो जाता है जो कि नियरली डेथ वाले सिचुएशन में इनको लेके गया था, जिसकी वजह से he had developed fear of water. तो वाटर के पास नहीं जाते थे. बट वी नीड टू कीप दिस इन माइंड कि अगर किसी के बच्चे के मन में कोई फियर हो, वी नीड टू टैकल दैट फियर. उस डर को दूर भगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो बच्चे के दिमाग में रह जाता है एंड थ्रू आउट हिज लाइफ और हर लाइफ इट स्टेज. इन इस केस में डगलस एनालाइजेज हिज फियर ऑल बाय हिमसेल्फ एंड देन ही डिसाइड्स टू ओवरकम इट एंड ही ओवरकम्स इट एज वेल. ओके, the author William Douglas talks about his fear of water and how he finally overcame it. He narrates an autobiographical incident that occurred when he was 10 or 11 years old. So, ek incident unka kab hua tha? Beach wala incident kab hua tha? Beach ka incident hua tha when he was 3-4 years old. Okay, and the next incident jo ki nearly death ke saath unka ye tha, wo kab tha? When he was 10 or 11 years old, wherein the child, one 18 years old boy had pushed him in the pool, YMCA pool. As a result, he developed a fear of water, which he was able to conquer after several years by sheer determination. Justification of title can be another question. This extract is appropriately entitled Deep Water. Q. The author recounts his fear of swimming following an incident in which he had been swept away by a wave. तो इसको हम क्यों बोलते हैं कि डीप वाटर का टाइटल अच्छा है, अप्रोप्रिएट है? Because he once in his life he was swept away by a wave. Another incident which further aggravated his fear was when a bully pushed him into the deep side of a pool and he nearly drowned. But slowly he overcame his fear through determination and strong will. He even took the services of an instructor. He swam in different pools and lakes to overcome his fear. The title also signifies that the author's fear was a deep-rooted one. In short, the title is appropriate. Deep water से यहाँ पे writer जो है connection दिखाना चाहते हैं कि उनका जो fear था बचपन में उनके साथ ऐसे इंसिडेंट हो गए थे जिसके वजह से डर जो है बहुत ही गहरा बैठा हुआ था उनके मन में. ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि ये टाइटल एप्ट है बिकॉज डीप रूटेड यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है डीप वाटर से उनका जो फियर था वो. ठीक है, ओके. दिया, बुली हम उसको बोलते हैं जब हमको कोई परेशान करता रहता है ना, स्पेशली टीनेज हो या बचपन में जब कोई आपको परेशान करता रहता है उनको हम बुली कहते हैं. ठीक है ना, ऐसे लोग जिनको की हैबिचुअली आदत होती है
दूसरे लोगों को ट्रबल करने की, दूसरे लोगों को परेशान करने की, और परेशान की मतलब वो बिल्कुल क्रूअल हो जाते हैं, इमोशंस ही नहीं रहते उनमें, उनको समझ ही नहीं आती है कि उनके एक्टिविटी से दूसरे को दिक्कत हो रही है, उसको हम बुली बोलते हैं। ठीक है, तो जिस्ट ऑफ द चैप्टर, विलियम ओ डगलस हैड अ डिजायर टू लर्न स्विमिंग सिंस चाइल्डहुड। At the age of 3 or 4, he was knocked down and buried by a wave at a beach in California. किसने नॉक डाउन किया था? नॉक डाउन उनको वेव ने किया था। वेव तो बहुत प्रेशर के साथ आती है, फोर्स के साथ आती है, तो उसने धक्का दे दिया था। एंड ही वॉज अ यंग बॉय ऑफ 3-4 years, तो वो गिर गए थे। ही डेवलप्ड अ ग्रेट अवर्जन टू वॉटर। अगेन एट द एज ऑफ 10 or 11, ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम विद वॉटर विंग्स। फ्लोटर्स के साथ उन्होंने स्विमिंग करने का सोचा कि सीखेंगे। एट दी वाई एम सी ए पूल, सिंस इट वॉज सेफ एट द शैलो एंड। मिस एडवेंचर क्या हुआ यहाँ पे? वाइल सिटिंग अलोन एंड वेटिंग फॉर अदर्स टू कम एट दी वाई एम सी ए पूल, अ बिग बॉय केम एंड थ्रू डगलस इन टू डीप एंड ऑफ द पूल। डगलस स्वॉलोड वॉटर एंड वेंट स्ट्रेट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल। वाइल गोइंग डाउन ही प्लान टू मेक अ बिग जम्प अवर्ड्स, बट केम अप स्लोली। डार्क टेरर सीज्ड हिम, मतलब बहुत तेज वाला जिस्ट। जिस्ट बेटा, जब हम किसी चीज को शॉर्ट में समराइज करते हैं ना, मेन पॉइंट्स को लेके जब हम डिस्कशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड जिस्ट। डार्क टेरर सीज्ड हिम, तो एक बहुत ही सीवियर सा टेरर जो है उनके अंदर बैठ जाता है। ट्राई टू शाउट बट कुड नॉट। और देन जब बहुत आपको डर लग जाता है ना, तो डर से आप शॉक में चले जाते हो, फिर आपकी आवाज भी निकलना बंद हो जाती है। तो सेम थिंग हैपन विद हिम, ही कुडंट शाउट इवन इफ ही ट्राइड टू। एज ही वेंट डाउन द पूल सेकेंड टाइम, ही ट्राई टू जंप अपवर्ड्स, बट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। वो आप देखना, पानी के अंदर फिर से लोग जाते हैं, ठीक है। जब आप डूबते होते हो ना, तो क्या होता है, ऊपर आते हो फिर पानी के अंदर जाते हो, तो वो फिर से पानी के अंदर जाने लगे, और उन्होंने कोशिश किया कि वो फिर से ऊपर की तरफ जंप करे, बट इट वॉज नॉट हैपनिंग। टेरर हेल्ड हिम डीपर एंड डीपर। ड्यूरिंग द थर्ड ट्रायल ही सक्ड वाटर इंस्टेड ऑफ एयर। लाइट वॉज गोइंग आउट एंड देयर वॉज नो मोर पैनिक। वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लग गए थे, बॉडी बिल्कुल ही लूज हो गई थी, स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी, तो अब कोई पैनिक ही नहीं था, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिमसेल्फ। सो ही सीज्ड ऑल एफर्ट एंड बिकेम अनकॉन्शियस। ही क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, ठीक है, और बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। अनकॉन्शियस होने के बाद में ऑब्लिवियन, मतलब अब तो वो सारी चीजों से अनजान थे, क्योंकि वो तो होश नहीं था, बेहोश हो गए थे वो। वेन ही रिवाइव्ड, ही फाउंड हिमसेल्फ वॉमिटिंग बिसाइड द पूल। ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा पानी पी लेते हो, पूल का या नदी का कहीं का भी, तो फिर आप वॉमिट करने लगते हो। आपको जब प्रेशर लगेगा पेट पे, तो वो पानी को निकाला जाता है ना, तो आप उसको, यू स्टार्ट थ्रोइंग इट आउट। ही वॉज इन ग्रिप ऑफ फियर ऑफ वाटर एंड इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉयज ऑफ कनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग। तो पानी का उनको इतना डर लग गया था कि वाटर रिलेटेड जो भी स्पोर्ट था, वो उस स्पोर्ट को नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेटर ऑन वॉट ही डिड, ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग फ्रॉम हिम। The instructor taught him swimming piece by piece. He went to different lakes to swim and found tiny vestiges of fear still gripped him. छोटे छोटे जो डर थे ना, वो छोटे छोटे डर उनके अंदर फिर भी बैठा हुआ था। No matter how much he was trying to overcome और चीजें सीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो छोटे छोटे जो डर था वो उनके अंदर बैठा हुआ रहता था। ठीक है, वेस्टिजेस का मतलब होता है मार्क। Then further, he challenged the fear, but उन्होंने क्या किया, उन्होंने, उनका शौक इतना ज्यादा था स्विमिंग के लिए कि उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने उसको ओवरकम करने का फैसला कर लिया था। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग इन टू दैट डायरेक्शन। स्विमिंग अप एंड डाउन द वार्म लेक, ही फाइनली ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक है, तो उन्होंने लेक में स्विमिंग करना शुरू किया, और धीरे 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 उस डर से बाहर आने लग गए। He realized that in death there is peace and there is terror only in fear of death. तो उनको यही समझ में आई कि डर हमें सिर्फ और सिर्फ डेथ का होता है। ठीक है, डेथ का सोच के हमें डर लगता है। डेथ इन इट सेल्फ गिव्स पीस
एंड देन अनदर थिंग वॉज दैट विल टू लिव इज स्ट्रॉन्गर देन फियर ऑफ डेथ. ठीक है, तो जीने की जो चाह होती है इंसान की वो ज्यादा बड़ी होती है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेक्स्ट. दिस पार्ट आई हैव ऑलरेडी डन विथ यू. लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट. एंड वेयर इज माई बुक? हियर इट कम्स. आई टोल्ड यू मेरी बुक देखो मेरे पास अभी भी है, तो अपनी बुक लेके बैठना आप. इट हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. द यकीमा रिवर वॉज ट्रेकरस. मदर कंटिन्यूअली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. Each drowning, देखो इससे ही आपको पता चलता है कि कितने सारे drowning के cases के बारे में. I think I'll have to call up the session today here only. We'll just complete this paragraph. ये वाला page complete करके we'll call up the session. It had happened when I was 10 or 11 years old. तो author जो है story शुरू कहाँ से करते हैं? 10-11 years का account. जब वो 11 साल के रहे होंगे उस time की बात करते हैं जब उन्होंने decide किया था कि उनको swimming करना है. और कहाँ करना है? YMCA. ठीक है, यकीमा के YMCA वाले club में उनको शुरू करना था swimming. पर उनकी mother ने उनको हमेशा बताया था ड्राउनिंग के केसेस रिवर में कितने हुए थे, उससे डिस्कशन किया था और सेफ्टी के बारे में समझाया था दैट द ऑथर शुड बी टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. तो जो शैलो एरिया से डीप एरिया की तरफ जाने का बनता था ना पूल को, अगर आपने देखा है तो शैलो एरिया से फिर आप डीप एरिया की तरफ जाते हो. ठीक है, तो इट वॉजेंट कि आप शैलो में हो और सडनली डीप वाला एरिया आ गया है. धीरे 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 वो डीप होता जाता था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. तो इन्होंने अपने वाटर विंग लिए और पूल तक गए. ठीक है, रेस्ट ऑफ इट विल कंटिन्यू विथ टुमारो. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मीट मी 7 PM टुडे इन द इवनिंग फॉर माई क्लास. ठीक है, स्पेशल क्लास में आज मैं रिपोर्ट राइटिंग कराने वाली हूँ. आज का सेशन इतना ही है. ठीक है, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बी सेफ एंड साउंड, हेल्दी एंड अटेंटिव इन योर स्टडीज. आई विल सी यू अगेन एंड देन टुमारो 3 PM आई हैव माई क्लास. टेक केयर.